हादसे का न्योता दे रहा सलेमपुर गांव स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन। दरअसल हम आपको बता दें कि करापसा प्रखंड क्षेत्र के सांध पंचायत के सलेमपुर गांव स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन हादसा का न्योता दे रहा। करापसा प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था और स्कूल की इमारतें पूरी तरह बदल गई है। बता दें कि विद्यालय के कमरों की छत पूरी तरह जर्जर हो चुका है। पूरी तरह विद्यालय के सभी कमरे के छत विहीन है और छत विहीन के नीचे सैकड़ों बच्चे पठन पाठन करते हैं और शिक्षक मजबूरी में उन बच्चों को पढ़ाते हैं। बता दें कि यह विद्यालय लगभग 15 वर्षों से संचालित हो रहा है। विद्यालय के प्रधान संजीव कुमार भारती ने बताया कि बीते कुछ साल पहले नालंदा के DM पालिका सहानी ने विद्यालय का जब निरीक्षण किया था, उस समय भी विद्यालय की स्थिति के बारे में उन्हें बताया गया था। फिलहाल इस विद्यालय में 135 बच्चे नामांकित हैं और इसी बिना छत विहीन के नीचे पठन पाठन करते हैं, जो कि प्रथम वर्ष से लेकर पाँचवीं तक के कक्षा के बच्चे हैं। इस विषय पर करापसरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला के शिक्षा पदाधिकारी तक के विषय में अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस पहल नहीं उठाया गया है। मैं करापसरा प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि करापसरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर का स्थिति बहुत जर्जर ही स्थिति है, क्योंकि कभी भी बच्चों के साथ अप्रिय घटना घट सकता है। इसका मुद्दा पंचायत समिति बैठक में और जिला परिषद बैठक में भी उठाया गया है, लेकिन अभी तक के इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर का भवन कितना दिनों से जर्जर है सर? लगभग 10 वर्ष से जर्जर है। अच्छा, और वहाँ सब बच्चे लोग पूरे खतरा में हैं। अच्छा, कभी विद्यालय गिर करके बच्चों लोगों को जान ले लेगा, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। कई एक बार विभाग को सूचना दिया गया, उसके बावजूद भी विभाग इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं किया। और इस स्थिति में अब भाई बच्चों के लाइफ है, जो ज़िंदगी है, नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। समूचा दीवार, समूचा छावनी सब के सब ध्वस्त हो रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं है और विभाग इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही। शुभ नाम सर, क्या हुआ आपका? है विजय प्रसाद सिंह।